हमारे साथ अहमद जिया हैं, जिनकी चाची अफगानिस्तान से भारत में अपना इलाज कराने आई थी, लेकिन यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनको अपने मुल्क की ज़मीन भी नसीब नहीं हो रही है कि वो वहाँ पर सुपुर्दे खाक हो सके। उनके रिश्तेदारों ने यहीं पर उन्हें दफना दिया है। वो अंत समय तक कहते रहीं कि मुझे मेरे मुल्क तक पहुँचा दो, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जो उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए। अब वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्जे के बाद से फ़्लाइट्स बंद हैं, इस वजह से ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। अहमद जिया से बात करते हैं। चची आपकी कब आई थी यहाँ पर? एक महीने पहले हो गया, तो तालिबान से पहले 5-6 दिन पहले तालिबान से पहले इधर आ गया, तो इधर इलाज के लिए आ गया, तो इधर मौत हो गया उसका। फिर 4 दिन बथरा अस्पताल ने रख दिया, हमने एम्स के अस्पताल में भी गया, जितना जगह था ये शमशान जगह है ये निज़ामुद्दीन पे, इधर भी गया, बोल दिया हमारा ये बॉडी का रख दो जब तक ये फ्लाइट अच्छा होगी, हम इसका लेके चलता है अफगानिस्तान ने, कोई इजाज़त नहीं दिया। फिर मैं मजबूर हो गया इधर, ये पंच पीरान जो अफगानी लोग इधर ज़्यादा दफनाए, इधर दफना दिया उसका। उनको कब दफनाया गया? 4 दिन पहले, 4 दिन पहले इधर दफना दिया इसका। तो दूसरा रास्ता नहीं था, वो मजबूरी से हमने इधर उसका दफना दिया। उसका पूरा फैमिली अफगानिस्तान में, वो भी बहुत तंगे कि क्यों ऐसा हो गया हमारा, तो अभी इधर हमने दफना दिया। उनको क्या दिक्कत थी, किस चीज़ का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आई थी? एक्चुअली पहले तो वो स्पाइन का था, स्पाइन उसका दिक्कत था, वो चल नहीं सकता था स्पाइन का। इधर आ गया उधर 2-3 जख्म भी उसके जिस्म पे आ गया, क्योंकि ज़्यादा जो बिस्तर में पेशेंट्स होता है उसके ज़ख्म होता है ना, तो 2-3 जगह में ज़ख्म हो गया। फिर उसका भी इलाज कर दिया, वो आखिर मरतबा उसका किडनी का भी दिक्कत आ गया। तो 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में डॉक्टर उधर अस्पताल ने 4 ऑपरेशन किया उसका, 4 ऑपरेशन का कोई बर्दे का बर्दाश्त नहीं हो गई, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया का उतना ज़्यादा तो नहीं दे सकता है, मालूम नहीं कि क्यों ऐसा अस्पताल ने ऐसा किया उसके साथ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब वो यहाँ पर आई थी और इलाज उनका हो रहा था, तब क्या कह रही थी, मुझे अपने मुल्क वापस ले चलो, मुझे काबुल जाना है, क्या बोल रही थी वो अंत समय पर अपने? वो तो ज़रूर हर किसी ने बोलता है, वो तो बोल रहा था कि मैं बहुत तंग हूँ, मेरे को जल्दी वापस अफगानिस्तान लेके जाओ। तो उस किस्मत ही तक वो इधर मौत हो गया उसका। तो जब उसका मौत हो गया, उसका हस्बैंड के साथ हमने वीडियो कॉल किया, बता दिया कि ऐसा काम हो गया। वो उसका हस्बैंड ने बहुत कोशिश किया, बोल दिया जितना खर्चा होता है मैं अपने मुल्क बेचता हूँ, ज़मीन बेचता हूँ, घर बेचता हूँ, मगर मेरा वाइफ का बॉडी लेके आ जाए अफगानिस्तान में। हमने पूरा कोशिश किया, तो इधर से कोई अलाउड नहीं था, क्योंकि फ्लाइट नहीं है ना, फ्लाइट नहीं है। फिर ये गाड़ी के साथ बता दिया कि पाकिस्तान के रास्ते से, वो भी नहीं हो गया, तो मजबूरी से इधर दफना दिया उसका, क्योंकि 4 दिन वो अस्पताल में उसका डेड बॉडी रह गया। अस्पताल वालों ने बोल दिया कि 4 दिन के बाद ख़राब होता है, हम नहीं रुक सकता है इसका। फिर एम्स पे गया, एम्स पे भी बता दिया इसका कोई मेडिसिन लगा दो कि 1 महीने तक 15 दिन तक जो फ्लाइट हो जाएगी इसका बॉडी अच्छा होगी, कोई हेल्प नहीं किया हम लोगों के साथ। तो अभी यहीं पर हैं आप लोग, अभी सोच रहे होंगे कि कब अब आप ही लोग वापस चले जाएं, अब उनका कुछ रखा है आप लोगों ने वहाँ ले जाने के लिए, कि कुछ उनके कहेंगे कि अंतिम जो निकालते हैं चीज़ें वो ले जाएंगे वहाँ पर, हड्डियाँ वगैरह भी कुछ ले जाते हैं आप लोग कि नहीं? फिलहाल तो कुछ नहीं बोल दिया, क्योंकि इस्लाम में जो बोलता है कि दफनाता है, तो अगर ऐसा मौक़त की ज़रूरत पे बोलता है कि ऐसा अमानत के तौर पर हमने दफना दिया फिर लेके चलता है, तो उसी तरह नहीं किया, इधर दफना दिया उसका। अभी उसका एक बेटी है, उसका दामाद भी इधर है, वो दोनों, अभी उसका हालात अच्छा नहीं था, कहा जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, वो अभी बोल रहा है कि उसका बेटी है, एक 14 साल का बेटी है, वो बोल रहा है कि मेरे को अभी भेज दो अफगानिस्तान, क्या दिक्कत है, मैं किस तरह जाऊँ अफगानिस्तान। वो फिलहाल तो ये दिक्कत है कि वो जाने का खुद, वो उसका बेटी का नहीं, ये हमारा हाथ में नहीं है कि उसका अफगानिस्तान भेज दे, तो सब दिक्कत है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया उसका, 10-15 लाख रुपये खर्चा हो गया उसका, ये उसका दिक्कत है।
तो अहमद ज़िया ने बताया इनकी चाची जो कि यहाँ पर इलाज कराने आई थी वो बचकर अपने मुल्क वापस नहीं जा पाई क्योंकि इलाज के दौरान यहाँ पर उनकी मौत हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि वो अंतिम समय में उनकी डेड बॉडी तक कहेंगे वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। वो वहाँ कहती रहीं अपने मौत से पहले कि मुझे मेरे मुल्क वापस ले चलो, वापस ले चलो, लेकिन नहीं ले जा सके क्योंकि हालात ऐसे थे, फ़्लाइट्स बंद थी, कहीं से भी जा नहीं सकती थी, तो यहीं उनकी मौत हो गई और यहीं पर उन्हें दफना दिया गया। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़मीन अंत समय में वहीं पर उसकी मौत हो, लेकिन ज़िया की पत्नी को, ज़िया की चाची को वो नसीब नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी एन भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।